देश भर में लोकतंत्र के चुनाव का महापर्व चल रहा है और इस महापर्व के तहत छठे चरण के चुनाव आज देश के कई राज्यों में हो रहे हैं। अंबाला की अगर बात करें तो अंबाला में सुबह 5:30 बजते ही जो मशीनों की मॉक पोलिंग है वो हुई है और उसके बाद सभी पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनके सामने मशीनें सील की गई है और उसके बाद ठीक 7 बजते ही वोटिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। और सबसे पहले 79 नंबर मतदान केंद्र पर अंबाला के DC अपना वोट पोल करने पहुंचे और वहां पर जाकर अपना वोट पोल किया, तो वहीं DC ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि इस लोकतंत्र के चुनाव के महापर्व में अपनी आहुति जरूर डालें, घरों से बाहर निकले और अपना वोट कास्ट जरूर करें। साथ ही उपायुक्त डॉक्टर सोलिन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में 927 पोलिंग बूथ है, वहां पर अब मतदान शुरू हो चुका है। DC ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी जगह मॉक पोल करवाया गया, उसको सभी जगह वेरीफाई भी कर लिया गया है। फिलहाल सभी जगह पर CCTV द्वारा निगरानी रखी जा रही है, तो वहीं वीडियोग्राफर जगह जगह तैनात किए हुए हैं, तो अंबाला पुलिस भी चौकन्नी है, चारों तरफ है अंबाला पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है। मैंने भी आज वोट डाला है और ये मौका 5 साल में एक बार आता है। मेरी अपील सभी मतदाताओं से है, आप भी वोट डालिए और लोकतंत्र में आप भी भागीदार बनिए। मैंने जैसे बताया कि 5 साल में एक बार मौका मिलता है, अगर आज भी एनर्जेटिक नहीं होंगे तो फिर किस दिन। मतदान आज 25 मई को हमारे 927 पोलिंग स्टेशंस पर शुरू हो चुका है और मॉक पोल भी शुरू हो गया है, वेरीफाई हमने कर लिया है। सभी पोलिंग स्टेशंस पर वेबकास्टिंग के माध्यम से नज़र रखी जा रही है, जगह जगह पर वीडियोग्राफर्स हैं और हमारा पूरी तरीके से जो प्रशासनिक अमला है, पुलिस का अमला है, लगातार इस पे नज़र रखे हुए है। सब क्या कुछ आम जनता से अपील है? मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि ये मौका लोकतंत्र में आपको एक बार मिलता है, आज अपना वोट जरूर डालें। सुबह सुबह वोट करने पहुंचे 96 वर्षीय रामेश्वर दास शर्मा ने जनता से भी अपील करते हुए कहा कि वो 96 वर्ष के हैं और वोट करने पहुंचे हैं, तो आप भी घरों से बाहर निकले और अपना वोट जरूर दें। मेरा नाम रामेश्वर दास है शर्मा, मेरी उम्र है 96 और मैं वोट डालने के लिए आया हूँ और जनता से अपील करता हूँ कि अपना कीमती वोट आ करके सभी कृपा करके आके डाल के जाए। 79 नंबर पोलिंग बूथ के प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह सुबह अंबाला के उपायुक्त डॉक्टर सालिन यहां वोट करने पहुंचे हैं और फिलहाल जनता भी वोट करने यहां पहुंच रही है और आम जनता से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आम जनता घरों से बाहर निकले और मत का प्रयोग जरूर करें, अपना वोट जरूर डालें। मैं वीरेंद्र कुमार पोलिंग बूथ नंबर 79 से प्रेजाइडिंग ऑफिसर हूँ और आज लोकतंत्र का महापर्व हम लोग मना रहे हैं, जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन के आदेशानुसार आज 25 मई के दिन ये हरियाणा में लोकतंत्र का बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। हम अंबाला में हैं और बूथ नंबर 79 में हम लोगों ने आदेशानुसार ठीक 5:30 बजे मॉक पोल कराया। हमारे जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन सभी के एजेंट हमारे साथ थे और हमने मॉक पोल के बाद मशीनों को अच्छे से बिल्कुल सील किया है और ठीक 7 बजे हमने पोलिंग स्टार्ट करवा दी है। और जैसे ही हम लोगों ने पोलिंग स्टार्ट करवाई तो उपायुक्त श्री डॉक्टर शालीन जो हैं अंबाला से, वो हमारे पास यहाँ वोट डालने आए। मैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि अपने घरों से निकलें, लोकतंत्र के इस महापर्व में आएँ, अपनी आहुति डालें। जय हिंद।